नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। आप जानते हैं कि आसनसोल नगर निगम के अंतर्गत जो भी व्यवसायी है, बार बार उनके द्वारा ये कहा जाता था कि कोई ऐसी कमेटी रहती जिनके माध्यम से आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में व्यवसाय करने में उनको जिन समस्याओं का सम्मुखीन होना पड़ता है उसके समाधान के लिए वो डायरेक्टली बात कर पाते। इसके समाधान के लिए हम लोगों ने आसनसोल नगर निगम की ओर से एक ट्रेड एंड बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनाया है। 11 लोगों को लेकर ये कमेटी बनाई गई है और 11 लोगों के साथ साथ हमारे रेवेन्यू ऑफिसर हैं, वो भी मेंबर कन्वेनर के रूप में रहेंगे। ये लोग 15 दिन के अंतराल में हमेशा बैठक करेंगे और नगर निगम का जो नियम है इससे जो व्यवसायी हैं उनको अवगत कराएंगे और व्यवसायियों की जो समस्या है उससे नगर निगम को अवगत कराएंगे। ये एक ब्रिज का काम करेंगे, पुल का काम करेंगे नगर निगम और व्यवसायियों के बीच। ये 11 जो सदस्य हैं उनका नाम है श्री आर एन यादव जी, श्री नरेश अग्रवाल जी, श्री सुब्रतो दत्तो जी, श्री अजय खेतान जी, श्री आर पी खेतान जी, श्री आर पी चौधरी जी, श्री सचिंद्र नाथ राय, श्री निखिलेश उपाध्याय, श्री अधीर गुप्ता, श्री गुरविंदर सिंह एवं श्री सुभाष अग्रवाल। और इसके साथ साथ हमारे जो मेंबर कन्वेनर के रूप में काम करेंगे हमारे एसपी मुखर्जी, हमारे जो कॉर्पोरेशन के रेवेन्यू ऑफिसर हैं वो मेंबर कन्वेनर के रूप में काम करेंगे। वही 15 दिन के अंदर में मीटिंग बुलाएंगे। कॉर्पोरेशन में या दुकान में थोड़ा अंतर है। दुकान में जैसे केवल प्रॉफिट लॉस के बारे में सोचा जाता है, कॉर्पोरेशन को भी चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। यहाँ पर सामाजिक दायित्व भी एक बड़ा चीज़ होता है। इसलिए एक आदमी का जाकर हम दुकान बंद कर दें उससे उसका परिवार कैसे चलेगा, उसमें उसका बेटा का क्या दोष, उसका बेटी का क्या दोष, उसका पत्नी का क्या दोष। एक आदमी कॉर्पोरेशन का टैक्स बाकी रखा है, सही बात है, लेकिन इसमें उसका परिवार का दोष है, उसकी बूढ़ी माँ होगी। हम आजकल जाकर उसका दुकान बंद कर दें, उसका बूढ़ी माँ का ट्रीटमेंट बंद हो जाए, कि बहुत कुछ हम लोगों को सोचना पड़ता है। इसलिए बिजनेस माइंडेड वे में सोचना, एक सामाजिक संस्था है ये, इसके बारे में सोचना है कि अर्बन लोकल बॉडी है, यहाँ हम लोग का सामाजिक जो पहलू है उसको भी सोचना पड़ता है, इसलिए उतना हार संभव नहीं हो सकता। রাজা এইদিকে না এইদিকে বড় ব্যাপার, এটা বড় ব্যাপার, এটা পলিসিগত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় মলয় ঘটক সাহেব ওনাকে বলেছি, ওনার নেতৃত্বে আমরা একটা মিটিংয়ে বসি, তারপর দেখি সামগ্রিকভাবে একটা সিদ্ধান্ত। ব্যবসা সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা থাকলে এই কমিটি তাদের সমস্যার কথা জেনে পৌর নিগমকে জানাবে, আবার পৌর নিগমে যে বিভিন্ন সার্কুলার আছে, গাইডলাইন আছে, সেটা বিজনেস ম্যানেজারকে বলবে, আপনার একটা এটা ব্রিজের কাজ করবে।